माँ गायत्री गारमेंट मेन रोड गढ़वा। अब ये दुकान अपनी पुरानी जगह से नई जगह आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने MI स्टोर गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स में जा रही है, जिसका शुभारंभ दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को होना सुनिश्चित हुआ है। अतः उक्त अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपका आगमन हमारा सौभाग्य। प्रोपराइटर अमित जायसवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई थाना परिसर में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर हुई शांति समिति की बैठक, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने का मिला निर्देश। डंडई थाना परिसर में मंगलवार को थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा व ईद मिलाद उन्नबी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से इंस्पेक्टर स्वर्ण लता कुजूर, BDO सोमा उराव, CO चोनाराम हेमब्रम सहित प्रखंड भर के गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधियों तथा कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान इंस्पेक्टर स्वर्ण लता कुजूर ने सरकार की गाइडलाइन को बताते हुए कहा कि अभी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, जिसके मद्देनजर रखते हुए लोगों को दुर्गा पूजा और ईद मिलाद उन्नबी त्योहार को मनाना है। उन्होंने कहा कि दुर्गा की प्रतिमा 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूजा पंडालों में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पूजा के अवसर पर पूजा मंडप के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई भी मनोरंजक या सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। वहीं मेले का भी आयोजन नहीं होगा। मूर्ति विसर्जन का जुलूस की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के खाद्य सामग्री का वितरण पूजा स्थल पर वर्जित रहेगा। कहा कि पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं के बीच 2 गज की दूरी तथा मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। त्योहार में रावण का पुतला दहन कार्यक्रम नहीं होगा। मौके पर BDO ने कहा कि त्योहार को आपसी भाईचारा व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं और भीड़ भाड़ से बचें। वहीं थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने कहा कि COVID-19 को देखते हुए वरीय पदाधिकारियों की ओर से सरकार की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाए जाने का निर्देश प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले पूजा कमेटी के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए, कहीं भी अशांति का संदेह होने पर पुलिस को सूचना दे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान हुड़दंग करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब के नशे में होकर अशांति पैदा करने वाले व्यक्तियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर रारू मुखिया प्रतिनिधि पंकज विश्वकर्मा, जिला पार्षद प्रतिनिधि अक्षय राम, GMM प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, समाज सेवी दिलीप पटवा, उप प्रमुख आनंद प्रकाश, मोहन पासवान, संजय चौधरी, मुश्ताक खान, कन्हैया प्रजापति, काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भक्तों द्वारा दुर्गा पूजा का त्यौहार छोटे पंडाल या मंडप में पारंपरिक रूप से जनता की सहभागिता के बिना घर में मनाई जा सकती है। पूजा का प्रदर्शन छोटे पंडालों मंडपों में किया जाएगा। पूजा पंडाल निर्माण की स्वीकृति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी, उसके अंदर नहीं। दुर्गा पूजा पंडाल मंडप को सभी तरफ से बैरिकेडिंग करना अनिवार्य होगा। आगंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए 3 तरफ से कवर किया जाएगा। भक्तगण पंडाल में प्रवेश के बिना बैरिकेडिंग के बाहर से दर्शन कर सकेंगे। दुर्गा पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी भी विषय या थीम पर आधारित नहीं होगा। दुर्गा पूजा पंडाल मंडप के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रकाश सज्जा वर्जित होगी। मात्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था हेतु अनुमति होगी। दुर्गा पूजा पंडाल मंडप के क्षेत्र में एवं उसके आसपास स्वागत द्वार, तोरण द्वार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। तोरण द्वार और स्वागत द्वार वगैरह नहीं लगेगा। मूर्ति स्थान को छोड़कर पूजा पंडाल मंडप का पूरा क्षेत्र हवादार होना आवश्यक होगा। खुला होगा, उसको घेरा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ मूर्ति वाला जो क्षेत्र एरिया होगा वो कवर होगा, बाकी खुला रहेगा। माँ दुर्गा की प्रतिमा 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुपालन में मंत्र पाठ आरती के सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग की अनुमति होगी, परंतु टेप, ऑडियो और डिजिटल रिकॉर्डिंग के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी। पूजा समिति के सभी सदस्य, पुजारी, स्वयंसेवक जो पंडाल में उपस्थित हो उन्हें COVID-19 का कम से कम 1 टीका लगाया जाना आवश्यक होगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी तरह का मेले के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा पंडाल मंडप के पूरे क्षेत्र में खाने पीने के सामान का स्टॉल, खूंचा, ठेला लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा पंडाल के में आयोजकों, पुजारियों एवं पंडाल के सदस्यों, कर्मचारियों की एक समय में 25 से अधिक संख्या की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन का जुलूस की अनुमति नहीं है। विसर्जन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्ति का विसर्जन अनुमति होगी।
पूजा पंडाल मंडप के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। सामुदायिक भोज प्रसाद भोग आदि का आयोजन की अनुमति नहीं होगी, परंतु प्रसाद का की होम डिलीवरी पर रोक नहीं होगी। जो प्रसाद होगा वो मंडप पे नहीं दिया जाएगा, वो आप घर में जाकर के दे सकते हैं प्रसाद। पूजा आयोजन समिति या आयोजकों के द्वारा किसी प्रकार का आमंत्रण पत्र जारी नहीं होगा। निमंत्रण जो आप लोग इन्विटेशन जो देते थे वो Style First Men's Wear Jeans, Shirt, T-Shirt and Branded Shoe Store Nawada Mode, गढ़वा। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 25% से 45% तक की विशेष छूट। संपर्क करें प्रोप्राइटर कौशल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 9798318698। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। नामांकन प्रारंभ, सीट सीमित है। सोनभद्र आदर्श इंटर कॉलेज कांडी गढ़वा में 11वीं कक्षा सत्र 2021-23 में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन जारी है। देर ना करें, यथाशीघ्र नामांकन कराएं। सीट सीमित है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9934831177। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको नए नए कपड़े दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। नॉर्मल डिलीवरी हो 2786 रुपए दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। सीजेरियन डिलीवरी हो तो फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में 3786 रुपए दिए जाते हैं। हमारा पता है MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।